हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार साहू मैथ्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, बहुत दिन बाद आप सभी से मेरा मुलाकात हो पा रहा है। इसका कारण यह था कि मैं जो मैथमेटिक्स की क्लास है MSc उन पे बिजी था और आप लोग का असाइनमेंट चल रहा था। चाहे आप साइंस कोर्स के स्टूडेंट हो, आप अगर मुझे देख रहे हो तो, या आप पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से हो या फिर बिलासपुर यूनिवर्सिटी से हो, तो आप सभी ने बहुत मेहनत किया है। हालांकि आपका एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं हो पाया, उसके लिए तो पूरे प्रशासन को खेद है। और इस पेंडेमिक में और कोई चारा नहीं था, लेकिन आप लोगों ने बहुत मुश्किलों को झेलते हुए भी यहाँ पर आपका असाइनमेंट जो था, उस असाइनमेंट को आपने पूरा किया। तो रही बात हमारी स्टडी के, तो मैं बात करूँगा कि आप अभी तक अपना पढ़ाई जारी रखे होंगे। चलिए, जो हमारा बचा खुचा था यूनिट नंबर फर्स्ट, अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस कैलकुलस, तो उस एडवांस कैलकुलस का यूनिट नंबर फर्स्ट में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा सीक्वेंस तो हो गया था स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने सीक्वेंस के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखे होंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। मैं हर बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको एक बेहतर स्टूडेंट बनाएगा, है ना। ऐसा नहीं है किसी यूनिवर्सिटी से निकल गए तो एग्ज़ाम अगर आगे जो क्वालिफाई करोगे तो उसमें यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आएगा, IMP क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम है आपको डिग्री देना, कॉलेज का काम है आपको एक सही वे में पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, आपको एक डिसिप्लिन में बांध के रखना, लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। आप किस तरह से पढ़ते हो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे अगर मैथ्स को लेकर जाते हो तो भी, और मैथ्स के फील्ड में और काम नहीं करना चाहते हो तो भी, अगर आप एक BSc के स्टूडेंट हो तो ईमानदारी से आपको अपना एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहिए। कभी भी IMP क्वेश्चंस और जो भी तमाम चीज़ें हैं उनके पीछे भागना नहीं, क्योंकि ये तो 2 दिन का है, आपका एग्ज़ाम ख़त्म, उसके बाद ये भी ख़त्म है ना, उसके बाद तो आपको असली लड़ाई लड़ना होता है, ठीक है। तो आपको सीक्वेंस के सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो पता होगा। उसके बाद हम सीरीज में आए तो सीरीज के कॉन्सेप्ट याद होंगे, बहुत सारे हमने मेथड्स पढ़े थे, क्या किसी सीरीज को किस प्रकार से कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव किया जाए, जिसमें हमने लास्ट जो टेस्ट था स्टूडेंट वो था आपका रॉबी टेस्ट, और रॉबी टेस्ट से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हमने वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर बनाए थे। अब हम देखते हैं जो इस पूरे यूनिट का लास्ट चैप्टर है वो है आपका अल्टरनेटिव सीरीज। तो अल्टरनेटिव सीरीज क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिव सीरीज का। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो नाम से स्पष्ट है अल्टरनेटिव सीरीज एकांतर श्रेणी है ना, हिंदी में एकांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसा जो सीरीज जिसमें प्लस माइनस जो भी टर्म्स है उसके बीच में ऐसा बंधा हो, एक बार जैसे कि U1 ले लिए, एक बार -U1 ले लिए, सॉरी U2 ले लिए, U3 ले लिए, इस प्रकार से ये अल्टरनेटिव चलता रहेगा, है ना। आप जानते हो सीरीज क्या है, एक रूल को फॉलो करते हुए सीरीज बनता है। तो उनके बीच में जो भी एक दूसरे टर्म्स में जो एक रिलेशन बनता है वो रिलेशन क्या होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या होता है अल्टरनेटिव सीरीज होता है। तो ये तो बोलचाल की भाषा हो गया। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहता है, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन है, आप एक बार में याद कर सकते हो उसको। एक क्या है, एक श्रेणी UN को हम क्या कहते हैं, एकांतर श्रेणी कहते हैं यदि उसका प्रारूप इस प्रकार से हो। इंग्लिश मीडियम वाले, अ सीरीज UN इज सेड टू बी अल्टरनेटिव सीरीज इफ इट हैज द फॉर्म, इफ इट हैज द फॉर्म, ऐसा फॉर्म होना चाहिए। तो ऐसे जो भी सीरीज मिलेंगी उस सीरीज को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव सीरीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये पढ़ा होगा, हमेशा आप देखते हो sin x, साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स एक सीरीज है 1 - x^3 / x^5 / x^5, ठीक है, -x^7 / x^7, इस प्रकार से क्या होता है ये सीरीज आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है स्टूडेंट, ठीक है। जो टर्म्स हैं टर्म्स के बीच में प्लस माइनस एकांतर क्रम में चल रहे हैं, तो ये सीरीज है आपका अल्टरनेटिव सीरीज। इसी प्रकार से आपको कॉस का याद होगा, तो कॉस का क्या होता है स्टूडेंट, x - x^2 + x^4 / x^6 / x^6। ये तमाम जो इस प्रकार से सीरीज होती है वो सारी सीरीज क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज है। आपके बुक में और तरह तरह के एग्जांपल्स दिया होगा, आप बुक चेक कर सकते हो, कोई भी सीरीज बनाइए इस प्रकार से UN, अगर उनके टर्म्स में मान लो ऐसा है 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, तो ऐसे जो भी सीरीज मिलेंगे उन सारे सीरीज को आप क्या कहोगे, अल्टरनेटिव सीरीज, एकांतर श्रेणी, है ना। ये एकांतर क्रम में धन ऋण दिखाई दे रहे हैं, प्लस माइनस दिखाई दे रहे हैं, तो ये सीरीज क्या कहलाते हैं,
अल्टरनेटिव सीरीज कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो एग्जांपल के बाद स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अगर कोई अल्टरनेटिव सीरीज है तो उस अल्टरनेटिव सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए कौन से प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो इसके पास जो टेस्ट है स्टूडेंट्स, वो टेस्ट है आपका लेबनिज़ टेस्ट। बहुत ही सिंपल इसका स्टेटमेंट है। तो दो चीज़ होना चाहिए अगर कोई अल्टरनेटिव सीरीज है तो लेबनिज़ के अनुसार से दो चीज़ होना चाहिए। क्या वो सीरीज आपका क्या हो, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो। डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या, अगर सीरीज आपका बढ़ रहा है, मान लो ये आपका U1 है और ये आपका U2 है, तो U1 वाला हमेशा क्या होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए, फिर ये छोटा, फिर इस प्रकार से घटते घटते जाना चाहिए, घटना चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, घटना, हासमान फंक्शन। तो यहाँ पर जो आपका सीरीज कैसे होगा, ये देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन। तो यू एन तो इधर रहता है, उसके बाद यू एन प्लस वन इधर मिलता है। तो जब भी आप टर्म्स को बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो टर्म्स छोटे होते चले जाएंगे। और दूसरा चीज़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका लिमिट जीरो आ जाए। लिमिट जीरो आ जाए तो हम क्या कह देंगे, तो ये जो सीरीज है अल्टरनेटिव सीरीज वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर से एक बार दोहरा सकते हो, बहुत ही सिंपल है। दो चीज़ याद करना है आपको, देखना है पूरी सीरीज को कि हर एक टर्म्स क्या छोटा होता जा रहा है क्या, वो चेक करेंगे पहला काम। दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि या उसका लिमिट पॉइंट जब निकालेंगे तो लिमिट पॉइंट जीरो आएगा क्या, ये चेक करेंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी अल्टरनेटिव सीरीज को कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है बता सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अ सीरीज यू एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ इट हैज टू फ्लोइंग कंडीशंस। ये कंडीशंस आपको लिखना है, दोनों कंडीशन, अदरवाइज डाइवर्जेंट, है ना। ये है तो कन्वर्जेंट, ये अगर नहीं है तो डाइवर्जेंट। ये आसानी से आप लिख सकते हो, तो ये डेफिनेशन आप लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले आप हुबहू इसको उतार लेना। अब देखते हैं एग्जांपल क्या क्या है। तो एक मैं अल्टरनेटिव सीरीज लेता हूँ स्टूडेंट्स एग्जांपल के लिए, और चेक करूंगा किसे, लेबनिज़ टेस्ट से, कि वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट। जैसे कि ये वन माइनस वन अपॉन टू, ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन थ्री, इस प्रकार से आपका माइनस वन अपॉन फोर, और ये बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम आपका क्या आएगा, वन अपॉन एन आएगा, माइनस वन की पावर एन, इस प्रकार से, ठीक है, टू एन माइनस वन। तो ये सीरीज इस प्रकार से है, मैंने लास्ट टाइम लिखा है, यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, आप ना लिखो तो ही अच्छा है, कन्फ्यूजन से ज़्यादा अच्छा है। तो सीरीज का टर्म्स इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो दो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, क्या इसका हर टर्म्स छोटा होता जा रहा है क्या देखेंगे, मतलब यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन, ऐसा चेक करेंगे। तो देखो ये वाला जो टर्म्स है इस प्रकार से है कि नहीं, देखो ये आपका यू एन प्लस वन है और ये यू एन है मान के चलो, तो यू एन प्लस वन जो है छोटा है यू एन से। आपको ये निगेटिव पॉजिटिव देखना नहीं है, मात्र टर्म्स को देखना है। अब आगे बढ़ेंगे, ये वन अपॉन टू से वन अपॉन थ्री छोटा है, फिर से इसकी वैल्यू और छोटी हो जाएगी, है ना। मैं पहले बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना है, आपको टर्म्स को देखना है। तो 1 अपॉन टू क्या है, 1 अपॉन थ्री से बड़ा है, 1 अपॉन फोर क्या है, ये इससे छोटा है, मतलब ये जो टर्म्स है आपस में छोटे होते चले जा रहे हैं, इस प्रकार से छोटा होता जा रहा है, है ना। सामने के टर्म्स बड़े हैं, मतलब आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्या यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन, ऐसा है ना, या फिर उल्टा लिख दो इसको, यू एन प्लस यू एन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस वन, आपकी मर्जी है, जैसा भी लिखना चाहो इसको। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अब हम दूसरा लिखेंगे, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, देखो लास्ट इसका है, लास्ट इसका टर्म जो है वो है स्टूडेंट्स, ये है आपका वन अपॉन एन। तो वन अपॉन एन का हम क्या करेंगे, लिमिट पॉइंट निकालेंगे, लिमिट पॉइंट चेक करेंगे, लिमिट ये एन टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा अपन वन अपॉन एन। तो यहाँ पे जब n के जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा ना, वन अपॉन इनफाइनाइट मतलब जीरो, मतलब ये गिवन सीरीज क्या है आपका, कन्वर्जेंट है। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ होता है। जब बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर हम बहुत सारे प्रोसेस और कुछ कुछ करेंगे, चेक करेंगे लिमिट पॉइंट निकालने के लिए, बाकी चीज़ तो ये तो ऑब्जर्वेशन होगा बस, पहला वाला, नीचे वाला हम प्रोसेस थोड़ा, लिमिट पॉइंट निकालने का लंबा होता है, आपको पता है, जब एक्स और समथिंग समथिंग वेरिएबल्स जो भी आते हैं उसके लिए, है ना। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरम पूछा जाता है, वो है आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो डेफिनेशन हमेशा याद होना चाहिए, इसी से आपका हर चीज़ बनने वाला है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो उसका डेफिनेशन ही नहीं पता है, आप किसके बारे में पढ़ रहे हो, तो फिर पढ़ना व्यर्थ है स्टूडेंट्स। तो देखिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखे, हल्का सा समझ लेना इसको, आप लोग जब कॉपी में लिखोगे तो सुधार के लिखना। एक एकांतर अभिसारी श्रेणी,
क्या आपका UAN क्या है? एक एकांतर श्रेणी है जो कि अभिसारी है। अभिसारी कैसे चेक करते हैं? लेबलिश टेस्ट से, है ना। तो मान लो एक क्या है, एकांतर श्रेणी है जो कि अभिसारी है, यदि उसका UAN भी, मतलब UAN का मॉड निकाल लें, UAN का मॉडुलस वैल्यू भी क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए। समझिएगा इस बात को, इसमें प्लस माइनस हुआ करता था, और इसका मॉड ले लेंगे और उसका सीरीज बनाएंगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव टर्म्स वाला सीरीज बन जाएगा। तो वो भी अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, ये सीरीज़ जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ है, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको अच्छे से लिख सकते हो, कन्वर्जेंट सीरीज UN इज सेट टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ मॉड ऑफ UN इज आल्सो कन्वर्जेंट, है ना। तो ये अपने शब्दों में अपने अनुसार से इसको एडजस्ट करना, लिखना। तो स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। एग्जांपल आप जानते हो, एक सीरीज में बना लेता हूँ UN, UN इज इक्वल टू है 1 - 1/2 + 1/2 की पावर 2 - 1/2 की पावर 3, इस प्रकार से ये सीरीज है। तो ये सीरीज क्या है स्टूडेंट्स, ये एक जियोमेट्रिक सीरीज है मान के चलो, है ना। कब, लेकिन इसका मोड वैल्यू लेंगे तो पहले हम देखेंगे ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं करके। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पहला कंडीशन है क्या, आपका UN प्लस वन इज लेस देन UN, मतलब दूसरा वाला टर्म्स पहले वाला टर्म से छोटा है, ये एक है ये आधा है, छोटा हो गया। और इसके बाद इसके इधर जाएंगे तो फिर से ये छोटा हो रहा है, मतलब इस प्रकार से ये सीरीज आपका छोटा हो रहा है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है लेबनिज टेस्ट से। दूसरी बात करेंगे हम, लिमिट निकालते हैं, लिमिट ये हो जाएगा आपका UN, तो UN आपका क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, UN है आपका 1/2 की पावर n, है ना, n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये क्या आएगा, यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1/∞ मतलब जीरो। तो ये दो कंडीशन से ये पता चला कि ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट था, लेकिन ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है क्या, तो ये चेक करेंगे, ये है ए। अब हम बी वाला कंडीशन देखते हैं कि बी में क्या चेक करेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसी को हम बताना चाहते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं करके। तो हम दो चीज़ चेक किए, सॉरी यहाँ पर ए लिखता हूँ, क्या हम अप्लाई किए, लेबनिज टेस्ट, तो वहाँ से पता चला कि ये क्या है आपका, कन्वर्जेंट है। अब हम देखेंगे कि इसका मॉड वैल्यू भी कन्वर्जेंट होगा क्या करके, तो हम निकाल लेते हैं इसका मॉड निकालेंगे और सीरीज बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका UN का मॉड। UN का मॉड में मतलब क्या होगा स्टूडेंट, सारे जो निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/2 की पावर 2 + 1/2 की पावर 3, इस प्रकार से ये सारे वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएंगे, है ना। तो आप जानते हो, आपको बताया था इस प्रकार से एक जियोमेट्रिक सीरीज के लिए कन्वर्जेंट के कंडीशन में बताया था। आप अगर पिछले क्लास के एक दो वीडियो अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, इस प्रकार से जो सीरीज होती है, जियोमेट्रिक सीरीज होती है, इसका हम पार्शल सम निकालते थे, पार्शल सम SN का लिमिट निकालते हैं ना। जब भी सीरीज की बात करते हैं, पॉजिटिव सीरीज में क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्म्स वाले सीरीज में पार्शल सम लेते हैं, पार्शल सम कन्वर्जेंट होता है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होता है, ये सिखाया था आप लोग को। क्या लेते हैं, ये n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 - 1/2 की पावर n - 1, ये आता है। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि n टेंस टू इनफाइनाइट इसलिए जीरो, तो आपको लिमिट 0.2 मिलता था। और आपने पढ़ा है अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज में लिमिट पॉइंट इस प्रकार से फाइनाइट लिमिट पॉइंट मिल जाता है तो हम उसको क्या कहते थे, कन्वर्जेंट बोलते थे, मतलब ये आपका कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट था, है ना। क्या क्या देखे कि ये इसके लिए इसका मोड वैल्यू भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, इसलिए जो गिवन सीरीज है ये सीरीज क्या होगा, एक प्रकार का एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा स्टूडेंट्स। तो अब हम आते हैं कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है। अगर सीरीज मान लो UN क्या है, ये कन्वर्जेंट है, लेकिन इसका क्या, ये मॉड वाला UN जो निकालेंगे वो क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हो जाए, उस स्थिति में हम क्या कह देंगे, ये जो सीरीज होगा वो सीरीज आपका कंडीशनल कन्वर्जेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक सीरीज बना लेते हैं स्टूडेंट्स, UN इज इक्वल टू 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, इस प्रकार से ये सीरीज है स्टूडेंट्स। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है, आप देखिए ये सीरीज कन्वर्जेंट है। आपको याद होगा मैं शुरू में जब अल्टरनेटिव सीरीज का डेफिनेशन बताया था वहीं पर ही मैं बोला था कि ये जो सीरीज है होता है कन्वर्जेंट होता है करके।
आप देखो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो लेबनिज़ टेस्ट ही अप्लाई करना है। तो लेबनिज़ टेस्ट से ये पता चलता है कि ये सीरीज जो है छोटा घटता चला जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, क्योंकि हमको निगेटिव को नेगलेक्ट कर रहे हैं, हमको सिर्फ टर्म्स को देखना है। तो ये वन हाफ, फिर वो थोड़ा और छोटा, फिर और छोटा हो रहा है, मतलब ये क्या है, यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन, ये क्या होता है, बाद की टर्म या पहली वाली टर्म, तो पहली वाली टर्म हमेशा बड़ा हो रहा है ना, और जो लास्ट जो टर्म्स जा रही हैं वो छोटा होता चला जा रहा है। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन, लिमिट यू एन मतलब क्या, ये लास्ट टर्म क्या आएगा आपका, वन अपॉन एन, ये क्या एन की ओर जा रहा है, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो जीरो। तो ये लेबनिज़ टेस्ट से क्या पता चला, ये लेबनिज़ टेस्ट से ये पता चला कि ये जो सीरीज़ है वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अब हम देखेंगे, ये तो ए वाला काम हो गया, बी वाला काम करेंगे कि इसका मॉड निकालेंगे, मॉड निकालेंगे और इसका सीरीज बनाएंगे, ये है आपका यू एन, मॉड कर दिए, तो मॉड में सारे चीज़ प्लस हो जाएंगे, है ना, जो भी निगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, ये वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन अपॉन फोर, इस प्रकार से पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव होने के बाद आप चेक करो कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। आपको अगर अच्छे से याद होगा स्टूडेंट्स, तो ये सीरीज़ क्या होता है, इनफाइनाइट की ओर जाता है, है ना, ये बढ़ता हुआ जुड़ता हुआ जुड़ता हुआ बहुत बड़ा बन जाता है, इसकी लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिल पाता है ना। तो एक यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं मिलने के कारण आपका ये सीरीज़ होता है ये क्या होता है, ये डाइवर्जेंट होता है। ये हम पहले सीखे हैं, कहाँ पे सीखे हैं, जब आपको मैं पॉजिटिव टर्म सीरीज़ बता रहा था, तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बताया था, ये जो सीरीज़ होता है ये डाइवर्जेंट होता है करके, तो इसके बारे में देख लेना। तो देखिएगा, ये सीरीज़ आपका कन्वर्जेंट था, लेकिन उसका मोड वाला जो क्या है, डाइवर्जेंट है, इसलिए आपका जो सीरीज़ होगा ये सीरीज़ क्या कहलाएगा, ये कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इस यूनिट का मेन थ्योरम, एक ही थ्योरम है मान के चलिए यहाँ पर, जिसे आपको प्रूव करना है, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। ये क्या कहता है, एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जो सीरीज़ होगा वो कन्वर्जेंट सीरीज़ है। इसका कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अगर आपका जो यू एन लिए हो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मतलब ये कन्वर्जेंट होता है, ये यू एन भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, तब तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहते हैं, मतलब ये कन्वर्जेंट होगा ये भी कन्वर्जेंट होगा, कहने का ये मतलब है। तो एक क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होता है, कन्वर्जेंट ही होता है, जैसे कि यहाँ पर बताते हैं हम, है ना। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ कन्वर्जेंट होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स होता है, विलोम होता है, वो सत्य नहीं होता। विलोम कहने का क्या मतलब है, जो भी अभिसारी होंगे वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, ऐसा सत्य नहीं होगा। जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, लेकिन जो कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो। तो देखते हैं इसका प्रूफ स्टूडेंट्स क्या कहता है। मान लो आपके पास यूएन क्या है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है, इसलिए ये कन्वर्जेंट होगा, हमने बोल दिया। तब प्रत्येक जो दिए गए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन सच दैट, कैसा है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका, ये यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू, ये इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो होगा, हम बात करेंगे क्या कहाँ तक जाएगा, ये यू एन प्लस पी मान लेते हैं, कोई पी है उससे क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। आप जानते हो कोई भी सीरीज अगर कन्वर्जेंट होता है तो वो लेस देन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, गिवन उस एम के लिए, है ना। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ और लिखते हैं हम लोग ना, क्या एन इज ग्रेटर देन एम, ऐसा करके। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता सकते हो, वरना इतना ठीक है। प्रत्येक जो एन इज ग्रेटर देन एम है के लिए क्या हो जाए, के लिए आपका देयर एग्जिस्ट पी होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन जीरो हो। इसके लिए हम देखेंगे स्टूडेंट्स, एक सीरीज़ बनाएंगे, सीरीज़ में हम चेक करेंगे, पूरे लिखेंगे वो क्या आता है, देखते हैं। ठीक, यू एन प्लस वन, ए यू एन प्लस टू, इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा, ये क्या जाएगा, यू एन प्लस पी, ये है आपका सीरीज़ नंबर टू। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज़ और ये सीरीज़ में क्या अंतर है, अगर यहाँ से मोड हटा देंगे तो यही बनेगा ना, यहाँ से मोड हटा देंगे तो यही बनेगा, मतलब ये सीरीज़ और ये सीरीज़ सेम है, बस हमने मोड को हटा दिया है, ऐसा मान के चलिए। लेकिन किसी पी के लिए हम इसको अलग बता रहे थे, तो मान के चलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमने बताया है ये सीरीज़ यू एन प्लस वन प्लस यू एन प्लस टू प्लस इस प्रकार से यू एन प्लस पी जो है, ये लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। यहाँ पर बगल में लिख सकते थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आप लिख देना क्लियर। ओके,
तो इससे और क्या पता चला स्टूडेंट, दिस इम्प्लाइज दैट, आपको और क्या पता चला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक सीरीज लिख सकता हूँ। वो सीरीज क्या है आपका, ये यू एन प्लस वन, ये हो जाएगा आपका यू एन प्लस टू, ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से बढ़ता हो जाएगा ये यू एन प्लस पी, ये भी क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसको मैं पूरे को क्या लिख सकता हूँ, मोड़ हटा दिया है इसलिए मैं यू एन, तो यू एन क्या है लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये जो सीरीज है ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, इस प्रकार से अगर हम बात करें, ये सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। समझिएगा इस बात को, कोई भी सीरीज प्रकार से कन्वर्जेंट के डेफिनेशन से जो चीज़ लेते हैं, ये लेस देन अगर एप्सिलॉन मिलता है तो हम क्या कहेंगे, ये जो सीरीज है यहाँ पर लिख देना कि आपका यू एन क्या है अभिसारी है। हम इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जन को लेकर चले थे, आपको क्या मिला सिंपल कन्वर्जेंट मिला। तो एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जन सीरीज इज कन्वर्जन सीरीज, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और कन्वर्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज पहले लेंगे है ना, वो सीरीज कैसा होगा कन्वर्जेंट सीरीज होगा, और हम देखेंगे कि वो सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जन होगा कि नहीं है ना। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिए थे, क्या एक सीरीज था आपका यू एन इज इक्वल्स टू, ये यू एन इज इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन फोर, ये सीरीज क्या था स्टूडेंट्स, ये सीरीज था आपका कन्वर्जेंट, कहाँ से लेबनिज़ टेस्ट से आप देखे थे। लेकिन इसका जब मॉड लेते हैं यू एन प्लस वन तो इसके लिए क्या होता है डाइवर्जेंट आता है ना, तो ये डाइवर्जेंट हो गया। तो आपने कन्वर्जेंट लेके देखा लेकिन वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट नहीं मिला, तो आपका ये पता चला कि ये जो इनवर्स जो होता है वो कभी ट्रू नहीं होता। एवरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा ही होगा, लेकिन कोई कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा जरूरी नहीं है। तो ये चीज़ हमको प्रूव करना था स्टूडेंट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल ने पूछा था क्वेश्चन 2016 में, इस प्रकार से सीरीज दिया है, ये सीरीज क्या है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है या नहीं ये चेक करना है हमको। ठीक है, तो हम सीरीज को लिख देते हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन चालू करते हैं। गिवन दैट हम पर शब्दों को पूरा लिखिएगा, दिया है आपका क्या सीरीज दिया है यू एन इज इक्वल्स टू वन माइनस वन अपॉन टू के पावर टू प्लस वन अपॉन थ्री की पावर टू माइनस वन अपॉन फोर की पावर टू, इस प्रकार से सीरीज आपका बढ़ रहा है। तो इसका nth टर्म क्या होता है, हमेशा nth टर्म निकालना ही पड़ता है ना, जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो nth टर्म पर लिमिट अप्लाई करते हैं कि उसका लास्ट टर्म जो होगा टर्म्स कहाँ जाएगा अगर इन्फाइनिट की ओर बढ़ते हैं, तो ये लिमिट का मतलब होता है ना। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा स्टूडेंट्स माइनस वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन की पावर टू होगा है ना, n की पावर 2 होगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप क्या करोगे, मान लो इस टर्म्स को आप हासिल करना चाहते हो इसी टर्म से, तो देखना यहाँ पर अगर 1 रखोगे तो 1 माइनस वन मतलब 0 और माइनस वन के पावर 0 मतलब 1, ठीक है, और 1 अपॉन ये 1 के पावर 2 मतलब 1 ही होता है, तो कुल मिला के क्या बनेगा 1 मिलेगा। अगर 2 रखते हो तो क्या मिलेगा, 2 रखोगे n के जगह तो क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर क्या 2 माइनस 1 मतलब क्या 1, और ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 रखे हो 2 के पावर 2। तो देखिए किसी की पावर में अगर मतलब निगेटिव वैल्यू को पावर में क्या होता है, अगर ये ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर मतलब क्या, अगर ये विषम संख्या होता है माइनस वन के पावर अगर क्या हो 1 हो तो वो माइनस 1 आएगा, ये 1 के पावर 2 हो तो क्या आता है 1 आता है, ये चीज़ आप जानते होंगे है ना। तो जब भी सम होगा, जब भी सम होगा तो 1 और विषम होगा तो माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2। इसी प्रकार से जब आप 3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका आएगा 1 अपॉन 3 के पावर 2। तो ये सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से है ना। तो अब चेक करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है ये सीरीज है ये कन्वर्जन सीरीज है कि नहीं, पहले चेक करेंगे है ना। एब्सोल्यूट कन्वर्जन होने के लिए सीरीज कन्वर्जेंट होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर लिख रहे हैं स्टूडेंट्स लेबनिज़ टेस्ट से, तो स्टूडेंट्स आप हमेशा बुक का ही सही है ऐसा मानकर मत चलना। आप जब इस प्रकार से बड़े क्लास में आ गए हो तो इतना आपके पास दिमाग होना चाहिए कि जो भी आप जानते हो उसको आप अप्लाई करो, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करो। तो आप क्या करते हो, नंबर वन बता दीजिए मैं लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई करूँगा करके लिख दीजिए, लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो जो चेकर होता है उसको मजा आता है बच्चे का नॉलेज देख के है ना। तो लेबनिज़ टेस्ट अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपका पहला क्या काम करोगे, चेक करोगे, ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स, ये पता चल रहा है कि ये सीरीज़ आपका छोटा होता चला जा रहा है, मतलब यू एन प्लस वन इज लेस देन यू एन, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया लेबनिज़ टेस्ट का। दूसरा कंडीशन जब आओगे तो लिमिट चेक करोगे, लिमिट हो जाएगा आपका एन टेंस टू इनफाइनाइट,
आप एन एटम को रखोगे तो एन एटम आपका क्या मिलेगा, माइनस वन की पावर एन माइनस वन और वन अपॉन एन की पावर टू। तो ये क्या आता है, जीरो आना चाहिए, चेक करेंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करोगे, इनफाइनाइट पुट करोगे तो वन का पावर इनफाइनाइट पुट करो, कुछ भी पुट करो वो तो क्या आता है जी, वो वन ही आता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पुट करोगे, आप इनफाइनाइट जब भी पुट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट पुट करोगे तो हो जाएगा वन अपॉन इनफाइनाइट मतलब जीरो, तो ये हो जाएगा आपका जीरो। तो इससे क्या पता चला कि आपका यहाँ पर बता दीजिए कि जो गिवन सीरीज यू एन है वो क्या है, अभिसारी है। ओके, ये क्या है, अभिसारी है, पूरे शब्दों को यहाँ पर लिखना होगा आपको अभिसारी है करके। ओके, अब बी नंबर में क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप चेक करोगे कि इसका जो मोड वैल्यू है वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं करके। तो आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका यू एन, इसका हम क्या कर रहे हैं सीरीज निकाल रहे हैं, तो इसका सीरीज क्या होगा स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ निगेटिव हो उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो, वन प्लस वन अपॉन टू की पावर टू, ये वन प्लस थ्री की पावर टू है ना, ये वन अपॉन फोर की पावर टू, इस प्रकार से सारे पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट टर्म क्या होगा, वन अपॉन एन की पावर टू होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो आपके पी स्टेशन से आपको क्या पता चल रहा है, देखिए पी स्टेशन में ये जो पी दिखाई दे रहा है पावर वो ग्रेटर देन क्या है, वन है, ठीक है। ये आपका सीरीज क्या हो जाएगा, पी स्टेशन से यू एन ई क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ये एक अभिसारी अनुक्रम होगा, अभिसारी अभिसारी है, क्योंकि क्योंकि आपका जो P है, P इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पी सीरीज टेस्ट से ये पता चला, जो ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के लिए हम बता रहे थे, मोड वैल्यू ले रहे थे, ये भी कन्वर्जेंट है। पी सीरीज में पहले ही पढ़ा चुका हूँ स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से जो भी पावर दिखाई दे रहे हैं और ये पावर क्या हो, एक से बड़ा होना चाहिए है ना, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए ये पी जो है पावर, तो ये जो कोई भी सीरीज हो वो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ये भी कन्वर्जेंट मिल गया। तो लास्ट टर्म क्या पता चला, अतः ए और बी से है ना, ए और बी से आपको क्या पता चला, ये पूरा बी है, ए बी से पता चला कि जो गिवन सीरीज है वो क्या है, आपका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज है। क्यों, फिर से एक बार दोहराते हैं, हमको क्या चेक करना था, लेबनिज़ टेस्ट से पहले इसको कन्वर्जेंट है कि नहीं चेक करना था, तो हमने बता दिया कन्वर्जेंट है करके, लेबनिज़ टेस्ट का सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद इसको मोड अप्लाई किए, मोड अप्लाई करने के बाद देखे कि ये जो टर्म्स मिल रहे हैं, ये जो सीरीज मिल रहा है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं करके, तो हमको आसानी से पता चल गया, सीरीज को ध्यान से देखे तो ये पता चला कि जो पावर्स हैं वो क्या है, इस प्रकार टू है और जो कि ग्रेटर देन क्या है, वन है। जब भी इस प्रकार से सीरीज मिलता है वन, ये है ना, वन अपॉइंट टू, वन अपॉइंट थ्री, वन अपॉइंट फोर, ऐसा सीरीज हो और पावर फिक्स हो और वो पावर वन से बड़ा होना चाहिए, तो ये पावर टू है जो कि बड़ा है वन से, इसलिए जो सीरीज है वो पावर आपका पी सीरीज टेस्ट से कन्वर्जेंट है। तो ये दोनों चीज कन्वर्जेंट हो गया, इसलिए आपका सीरीज क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट जहाँ पर हमने सीक्वेंस पढ़ा, उसके बाद सीरीज पढ़े और ये जो लास्ट है आपका अल्टरनेटिव सीरीज पढ़े, ये सारे चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट्स कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो या फिर वीडियो रिपीट करके देखिए, वीडियो में तमाम जानकारियाँ दे चुका हूँ स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, ये यूनिट नंबर फर्स्ट जहाँ पर हमने सीक्वेंस पढ़ा, सीरीज पढ़ा और ये लास्ट में अल्टरनेटिव सीरीज पढ़ा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चन आपने बना लिया होगा अपने कॉपी में, और जो भी प्रैक्टिस है उसको आप करते रहिए, उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये आपका यूनिट है स्टूडेंट्स पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ये अल्टरनेटिव सीरीज से इस प्रकार से एक आध क्वेश्चन आएगा आराम से बना सकते हो आप, है ना, कोई भी क्वेश्चन हो जैसे किसको बनाएं, एक और क्वेश्चन आएगा उसको चेंज कर देंगे कुछ वैल्यूज को, तो भी आप आसानी से बता सकते हो आपका, लेकिन सीरीज का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, क्योंकि सीरीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बार बार हम उसी चीज़ को नहीं पढ़ेंगे, आपको क्लियर करना होगा आपका सीरीज, फिर ये अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। ओके।